गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया है। पिछली क्लास के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जिसके अंदर जो जीव जंतु है उनका आवास या उनका हैबिटेट क्या होता है, जल, वाटर, ओके, जलीय वातावरण में रहने वाले जीव जंतु जो उस वातावरण के बायोटिक फैक्टर्स और अपने स्वयं के जो बायोटा है उसके साथ इंटरैक्ट करके किस प्रकार से उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहते हैं, सरवाइव करते हैं, ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर उस जलीय तंत्र के मिलके क्या बनाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, हमने कल डिस्कस किया था एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन सा? एक हमारा था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा मराइन वाटर इकोसिस्टम। ओके, देखिए बच्चों, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू मराइन वाटर इकोसिस्टम बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। और मराइन इकोसिस्टम जिसके अंदर सैलिनिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओके, अब हम बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो देखिए यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के, तो इस प्रकार के जो इकोसिस्टम्स होते हैं और इसके अंदर हम कौन कौन से इंक्लूड करते हैं जो हमारे जलीय तंत्र है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये सब जो है वो हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के जो है एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, यदि हम बेसिक फीचर्स देखें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, तो देखिए एज कंपेयर टू मराइन वाटर इकोसिस्टम ये कम गहरे और कम विस्तार वाले क्षेत्र होते हैं। ओके, एंड यदि पिक्यूलियर कैरेक्टर देखें बच्चों, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या होता है, देयर इज अ लो सैलिनिटी। यदि हमने बात करी थी ऐसे हैबिटेट या ऐसे एनवायरमेंट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत कम मात्रा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1% to 5% से लेस कम मात्रा के अंदर यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है। ओके, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के अंदर जो है ये जो साल्ट कंसंट्रेशंस है इसके अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा जो मेनली जो वाटर है वो देखिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ओके, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो साल्ट्स होते हैं बच्चों वो अधिकतर किस फॉर्म के अंदर होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, डिजॉल्व फॉर्म के अंदर घुलित अवस्था के अंदर ये हमें जो है इसके अंदर जो जो वेरियस प्रकार के जो साल्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। और इसी प्रकार के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर जलीय तंत्र के अंदर जो हमारे मान लीजिए नाइट्रेट्स, हमारे जो नाइट्राइट्स हैं एंड अमोनियम साल्ट, ओके, ये सब घुलित अवस्था के अंदर मिलते हैं, कैल्शियम, और ये उस जलीय तंत्र में उपस्थित जो जलीय पादप हैं उनके पोषण के लिए, उनके वृद्धि के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ना केवल प्लांट्स के लिए बल्कि जो जलीय एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी, फॉर एग्जांपल एक्सोस्केलेटन उनका जो है वो उसके निर्माण के अंदर बहुत सहायक होते हैं। ओके, ये तो बात थी कि H2O जो फ्रेश वाटर के अंदर उपस्थित है, हमारा वाटर है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन चूंकि वहां पे क्या है लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ओके, और ये लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो उस जलीय तंत्र के जो जीव है उनको एक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, देखिए स्वच्छ जलीय आवास में रहने वाले जो जीव जंतु हैं चूंकि साल्ट कंसंट्रेशन क्या है कम है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ऐसे जो यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स है बच्चों, उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर उनका जो बॉडी फ्लूड है, बॉडी फ्लूड के अंदर क्या होता है बच्चों, साल्ट कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है। ओके, एज कंपेयर टू द एनवायरमेंट,
उनका जो जलीय एनवायरनमेंट है उसकी कंपैरिजन के अंदर उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस उस जंतु की बॉडी के अंदर वॉटर क्या होता है, निरंतर प्रवेश करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जंतु जो है वो अपनी बॉडी से जो ये जल की अधिक मात्रा को निष्कासित करते हैं थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। इनके अंदर जो है बॉडी के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आपने नाम सुना होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ओके। इस संरचना के द्वारा ये बॉडी से बाहर अपने जो जल की अधिकता है उसको निष्कासित करके अपने बॉडी के अंदर जो वॉटर बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं, ओके। तो फर्स्ट पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, कि इसके अंदर जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। दूसरा बात करें यदि हम, तो यदि हम बात करें टेम्परेचर की, तो देखिए बच्चों टेम्परेचर जो है वो इस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर जो है वो चेंजेबल होता रहता है, ठीक है। और ये चेंजेबल दोनों प्रकार से हो सकते हैं, दैनिक हो सकते हैं, ओके, दिन रात के टेम्परेचर के अंदर जो है फ्लक्चुएशंस हो सकता है, या सीजनल हो सकते हैं, ठीक है, मौसमी परिवर्तन भी इसके अंदर हो सकते हैं। और ये टेम्परेचर जो है वो जलीय आवास में रहने वाले जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उन पर अफेक्ट डालता है। अब हम बात करें हमारी लाइट की, तो देखिए लाइट जो है, चूंकि ये जो हमारे जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स होते हैं ये कम गहरे होते हैं, तो लाइट जो होती है इनके अंदर जो है वो एज ए लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा काम नहीं करती है, ओके। लाइट का जो फ्लक्चुएशन है वो जो है जलीय तंत्र की गहराई पर डिपेंड करता है, ओके। अब हम बात करें गैसेस की, तो देखिए गैसेस जो है इसके अंदर O2 मेन जो गैसेस है O2 एंड CO2, ओके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले O2 की, ओके, हमने बात करी सबसे पहले O2। O2 किस तरह से मिलती है, यहाँ पे डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होती है, ओके। और जलीय तंत्र में O2 थ्रू एटमॉस्फेयर से जो है प्राप्त होती है। एटमॉस्फेयर के अलावा जलीय तंत्र के अंदर जो रहने वाले जलीय पादप है, ओके, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जलीय तंत्र के अंदर O2 को जो है वो भेजते हैं, ओके। और ये O2 जो डिसॉल्व कंडीशंस के अंदर है वो जो जलीय जीव जंतु है उनके रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर काम आती है, ओके। लेकिन यदि फ्रेश वाटर रिजर्वायर ज्यादा पॉल्यूटेड है, ओके, यदि यहाँ पे पॉल्यूशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पॉल्यूशन पॉल्यूटेड वाटर के अंदर क्या होता है, एक तो टर्बिडिटी हो जाती है, और दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे चूंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर या एक्सक्रीटरा या अन्य जो दूसरे कारण है उनकी वजह से वो जल्दी प्रदूषित हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ऐसी कंडीशन के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये जो कमी है वो उस पर जंतु जो जलीय तंत्र में रह रहे हैं उसके लिए एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है, ओके, सर्वाइव के लिए लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है। अब बात करें हम CO2 की, तो देखिए बच्चों CO2 जलीय तंत्र में कहां से मिलती है, फर्स्ट एटमॉस्फेयर से मिलती है, और ये कहां से मिलती है, ये जो हमारे जीव जंतु जो रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, रेस्पिरेशन से जो है जलीय तंत्र के अंदर मिलती है, और ये कहां काम आती है, ये काम आती है प्लांट्स में, ओके। प्लांट्स आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स जो है CO2 को यूज में लेते हैं, ओके। जलीय तंत्र के अंदर ये CO2 बच्चों क्या करती है, CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइंड होके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक फीचर्स थे हमारे इसके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के, ओके। आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कौन कौन से हैं बच्चों, द फर्स्ट टाइप दैट इज लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम,
ओके ये इसमें ये क्या होता है, देयर इज वॉटर इज इन द स्टैंडिंग पोजिशन, जैसे कल मैंने बताया था वॉटर स्थिर अवस्था के अंदर, स्टैग्नेंट अवस्था के अंदर, इस प्रकार के जो इकोसिस्टम्स होते हैं फ्रेश वाटर, उसमें स्थिर अवस्था के अंदर जो है जल उपलब्ध होता है। ओके इसके अंदर हम किनको इंक्लूड करते हैं, बेसिकली इनके अंदर जो है पूल्स पॉन्ड्स और लेक्स जो है वो इसके एग्जांपल्स होते हैं जहां पे ठहरा हुआ पानी पाया जाता है। सेकंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दैट इज लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसके अंदर इस प्रकार के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहां पे पानी बहता हुआ होता है मूविंग कंडीशंस के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल्स आप लोग जानते हो हमारे जो स्ट्रीम्स हैं वो हमारी रिवर जहां पे पानी हमेशा निरंतर एक यूनि डायरेक्शन के अंदर बहता रहता है। एंड वेटलैंड्स एंड दीज आर द एरियाज वेयर द सॉइल इज सैचुरेटेड और इनंडेटेड फॉर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द टाइम, कुछ समय के लिए इस प्रकार का एरिया जो है जहां पे पानी सॉइल जो हमेशा सैचुरेटेड रहती है ओके उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेटलैंड्स। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे हमारा लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। ओके देखिए लैंटिक अभी जैसे आपने बताया किस प्रकार का वाटर होगा, वहां पे स्टैग्नेंट या स्टैंडिंग वाटर पाया जाएगा, स्थिर अवस्था में ठहरे हुए अवस्था के अंदर यहाँ पे पानी उपस्थित होता है इस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर। लेक एंड पॉन्ड्स अभी मैंने बता दिया आपको जो है वो मेन एग्जांपल से इस प्रकार के इकोसिस्टम के। और लैंटिक जो वर्ड है बच्चों, इस लैंटिक वर्ड जो है उसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, द वर्ड लैंटिक रेफर्स टू द स्टेशनरी, ठहरे हुआ या स्थिर। ओके इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके अब हम बात करें ये जो लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है बच्चों, ये जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी ये हो सकता है। ओके नेचुरल या मैन मेड हो सकता है और अधिकांशतः ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। और इस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर जो पानी है वो बेसिकली कहाँ से आता है, फ्रॉम द रेनफॉल और फ्रॉम द स्नोफॉल, यहाँ पे पानी आता है। ओके अब यदि हम लैंटिक इकोसिस्टम देखें तो इनकी साइज जो है वो वेरी करती है। ओके ये कुछ इंच जो है स्क्वायर हम कह सकते हैं कि अ फ्यू स्क्वायर मीटर से लेकर ये थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकते हैं। इनका विस्तार जो है वो कुछ स्क्वायर मीटर से लेकर हजारों स्क्वायर मीटर तक इनका विस्तार हो सकता है। हम गहराई की बात करें तो उसमें भी ये कुछ मीटर गहरे से होकर, फॉर एग्जांपल पॉन्ड से ये हजारों किलोमीटर गहरी झील के रूप में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बैकाल झील की बात करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1.74 किलोमीटर गहराई वाली हमारी जो है वो क्या है, झील है। ओके यदि हम इनके एज की बात करें, बच्चों तो ये कई हजारों वर्ष पुरानी झील भी हो सकती है या कुछ नए बने हुए हमारे पॉन्ड्स जो हमारे टेम्परेरी पॉन्ड्स है उस रूप के अंदर भी लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमें मिल सकता है। ओके फ्यू मंथ जो है से बने हुए हो सकते हैं ये, या फिर जो है ये कई सालों तक जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया हजारों साल पुरानी हमारी जो है झीलें, झील के रूप में ये इकोसिस्टम हमारी जो लैंड है पृथ्वी है उस पे उपस्थित है। ओके अब हम बात करें लैंटिक इकोसिस्टम पे में उपस्थित जो हमारी बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर, तो देखिए लैंटिक इकोसिस्टम फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स एंड लेक सपोर्ट्स अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज। ओके कौन कौन से जो है यहाँ पे हमें एनिमल्स मिल सकते हैं, दीज इकोसिस्टम्स आर होम टू एल्गी। ओके यहाँ पे क्रैब्स मिल सकते हैं हमें, श्रिम्स, एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, एंड इसके अंदर हमें अधिकतर जो है वो रूटेड एंड फ्लोटेड लीव प्लांट्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स इसके अंदर मिलते हैं हमें। ओके और रेप्टाइल्स के अंदर हमें एलिगेटर, वाटर स्नेक्स,
जो है यहाँ पे इस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर उपस्थित होते हैं। ओके देखिए, अब इस एटलांटिक इकोसिस्टम जो हमारा है उसको ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेशर हमने इसको कुछ जोनेशन के अंदर डिवाइड किया है। ओके तो वो कौन कौन से, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं, कौन कौन सी जोन्स पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट जोन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, ये हमने यहाँ पे लेक का एग्जाम्पल लिया है, झील का उदाहरण लिया है। तो टेम्परेचर, लाइट और वाटर प्रेशर के अकॉर्डिंग के आधार पे जो एक जलीय तंत्र है हमारा लेक या झील, उस पे कौन कौन से स्तर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहले हम एक बार आपको जोनेशन का पिक्चर दिखा देते हैं और उसके बाद में हम एक एक जोन की जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके हियर इज द स्टैंडिंग फ्रेश वाटर लेक। ओके दिस इज द लेक एंड हियर इज, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर द वेरियस जोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस लेक इकोसिस्टम। ओके इसी डायग्राम को हम आगे डिस्कस करेंगे, हम पहले एक एक जोन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। द फर्स्ट जोन जो हमारी है दैट इज नॉन एज द लिटोरल जोन। ओके विच इज नॉन एज द लिटोरल जोन। ये जो जोन है बच्चों, ये जो हमारा झील है या जलीय जो तंत्र है उसके जो किनारे वाला पार्ट, किनारे किनारे वाला जो तटीय क्षेत्र होता है बच्चों, वो वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लिटोरल जोन। ओके और ये जो जोन होती है वो गहराई के अनुसार देखें तो ये जो है उस जलीय तंत्र का सबसे कम गहरा पार्ट होता है। ओके दिस इज द टॉप मोस्ट जोन। कौन सी जोन है ये टॉप मोस्ट जोन होती है, जैसे मैंने बताया, और हमारा जो शोर लाइन है उसके साथ साथ संपूर्ण तटीय क्षेत्र जो है वो कहलाता है लिटोरल जोन। ओके एंड दिस लिटोरल जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ शैलो एंड वार्म जोन ऑफ अटलांटिक इकोसिस्टम। ओके देखिए ये जोन जो कि तटीय क्षेत्र के आसपास होती है, तटीय जो क्षेत्र है वो बनाती है, तो इस प्रकार की जोन के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो रूटेड वेटलैंड प्लांट्स जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके रूटेड प्लांट प्रमुख होते हैं और इसकी जो इस जोन की लिटोरल जोन का जो अपर सरफेस होता है जो बहुत गर्म और ऑक्सीजन युक्त होता है वो क्षेत्र हमारा एपिलिमियन कहलाता है। ओके और ये वो क्षेत्र होता है बच्चों जहाँ पे रूटेड प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। ओके दिस जोन प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस स्पीशीज ऑफ, कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है बच्चों, एल्गी, फ्यू स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, और बेसिकली यहाँ पे रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉम्स, क्रस्टेशियंस, एम्फीबियंस, स्नेल्स एंड वेरियस इंसेक्ट्स इस जोन के अंदर पाए जाते हैं। ओके फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन द लिटोरल जोन जनरली सर्व एज ए फूड फॉर अदर क्रिएचर्स। ओके कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल डव्स और टर्टल्स, इनके लिए ये एक तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए हम लिटोरल जोन से हमारी नीचे वाली जोन, दैट इज नॉन एज द लिम्नेटिक जोन। ओके देखिए बच्चों लिम्नेटिक जोन जिसको हम क्या कहते हैं, ये लिम्नेटिक जोन फोर्टिक जोन भी कहलाती है। ये जो झील का बीच का, ये हमारी जो झील है इसके ये इस दोनों तरफ, ये तो क्या हो गया हमारी लिटोरल जोन, और इस झील के बीच का जो ये खुला वाला पार्ट होता है जहाँ पे लाइट जो है वो संपूर्ण मात्रा के अंदर उपलब्ध होती है, ये वाली सरफेस क्या कहलाती है, ये सरफेस कहलाती है लिम्नेटिक जोन। देखिए झील यदि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो लिटोरल जोन होती है ना बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर गहराई तक होती है, और उसके नीचे यदि हम चले तो हमारी लिम्नेटिक जोन शुरू हो जाती है जो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर गहराई की होती है। ओके
दिस इज द ओपन वाटर जोन, जैसे अभी मैंने बताया खुला क्षेत्र होता है ये, वेयर सनलाइट सपोर्ट्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पहुंचती है इसलिए यहाँ पे जो है जलीय पादप पाए जाते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण यहाँ इस वाले रीजन के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और अधिकतर यहाँ पे हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स और जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो बहुतायत मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, एंड इट इज द जोन ऑफ अटलांटिक इकोसिस्टम दैट इज जनरली डोमिनेटेड बाय प्लैंक्टन्स। अभी जैसे मैंने बताया फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस लिम्नेटिक जोन प्ले एसेंशियल रोल इन द फूड चेन ऑफ अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब हम इसके नीचे चले तो लिम्नेटिक जोन के बाद हमारी कौन सी जोन आ गई, दैट इज प्रोफंडल जोन, जिसको हम अफोटिक जोन भी कहते हैं। देखिए प्रोफंडल जोन जो है वो कौन सी जोन होती है बच्चों, दिस इज अ डीप वाटर जोन। ओके, बहुत गहराई वाली जोन होती है ये, बिल्कुल जो गहराई वाला क्षेत्र है हमारे झील का, वहां पे जहां पर सनलाइट हार्डली पेनिट्रेट्स होती है, जहां पे सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए हम इसको डार्क जोन भी कहते हैं। ये एक प्रकार का डार्क जोन है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। ओके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जब सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ सनलाइट। ओके, और ये जोन जो है बाकी जो दूसरी जो जोन से उनके कंपैरिजन के अंदर यहाँ का जो वातावरण है वो कोल्ड होता है। ओके, तो डीप वाटर में है, प्रकाश जो है वहां पे उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे जो बायोटा पाया जाता है वो किसके बेस्ड पर वहां पे जो सर्वाइव करता है, दिस फूड वेब इज बेस्ड ऑन द डेट्रिटर्स विच एंटरिंग फ्रॉम द लिटोरल एंड फोटिक जोन। फोटिक जोन और लिटोरल जोन से आने वाले जो एक्सक्रीटी पदार्थ, सड़े गले पदार्थ, वो उनके जो डेब्रीज हैं वो इस प्रोफंडल जोन के अंदर इकट्ठी होती रहती है, जिससे अदर ऑर्गेनिज्म वहां पे रहने वाले सर्वाइव करते हैं। दीज आर द हेटरोट्रॉफ्स विच कंज्यूम दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अब इसी जोनेशन का हम डायग्राम देख लेते हैं। हियर इज द लिटोरल जोन, लिटोरल जोन कहाँ उपस्थित है बच्चों, किनारे जो हमारा जो झील है उसके किनारे वाला पार्ट, दैट इज नॉन एज द लिटोरल जोन, और यहाँ पे अधिकतर रूटेड प्लांट उपस्थित होते हैं। ओके, और बीच का झील का जो खुला वाला पार्ट होता है दैट इज नॉन एज द लिम्नेटिक जोन, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज अ लिम्नेटिक जोन। ये वो वाला क्षेत्र होता है जहां पे प्रकाश जो है संपूर्ण मात्रा के अंदर अवेलेबल होता है। ओके, और चूंकि संपूर्ण मात्रा के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे अधिक मात्रा के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पे अधिकतर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, प्लांट्स के रूप में प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को अभी मैंने बताया फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो बहुतायत मात्रा के अंदर यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और ये वो क्षेत्र होता है बच्चों जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन, जंतुओं के रेस्पिरेशन की तुलना में ज्यादा होता है। ओके, इन लिम्नेटिक जोन। ओके, लिम्नेटिक जोन से नीचे चले हम तो हियर इज द अफोटिक जोन, जिसको हमने क्या कहा था, ये जोन क्या कहलाती है हमारी, जिसको हम प्रोफंडल जोन भी कह रहे हैं। ये वो क्षेत्र होता है जहां पे लाइट नहीं होती है, डार्क एरिया। ओके, और यहाँ पे जो जंतु रहते हैं वो अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करने वाले एनिमल जिनको डेट्रिटोरस भी कहते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके,
देखिए बच्चों, लेक इकोसिस्टम के अंदर हमारे जो लिग्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन है ना, उनके बीच के अंदर एक और जोन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस जोन इज नोन एज अ लाइट कंपनसेशन जोन। ओके, ये वो जोन होती है बच्चों जहां पर जो लाइट है वो ना तो बहुत अधिक पहुंच पाती है और ना ही बिल्कुल यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती, मतलब बीच वाला पार्ट जहाँ पे एक तरह से डिफ्यूज लाइट पाई जाती है, ये वो एरिया है जहाँ पे लाइट ना तो बिल्कुल कम हुई है, ओके, और ना ही बिल्कुल डार्क जोन बना है, इसीलिए इसको हम लाइट कंपनसेशन जोन कहते हैं। और ये वो एरिया होता है बच्चों जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बराबर होता है। ओके, तो ये हमने आज जो पढ़ा है दैट इज द जोनेशन ऑफ द लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमने झील के बारे में आज डिस्कस किया है।